जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। नहाने गए व्यक्ति तालाब में डूबा, हुई मौत। जानकी जिला के पामगढ़ में आज सुबह नहाने के लिए तालाब में गए व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तालाब से बाहर निकाला और डायल 112 की मदद से पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धनगांव की है। परिजनों ने बताया कि कुटरा निवासी मृतक भोलाराम अंचल, उम्र 45 वर्ष, पखवाड़े भर पूर्व अपने ससुराल धनगांव आया हुआ था। आज सुबह गांव के जूना तालाब में नहाने के लिए गया हुआ था, इसी दौरान वह डूब गया। आसपास नहा रहे अन्य लोगों ने उसे देखा और तालाब से बाहर निकाला। मौजूद लोगों ने परिजनों और डायल 112 को बुलाया। परिजन उसे डायल 112 की मदद से पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकी पामगढ़ से इंद्रदास महंत की रिपोर्ट। आज दिनांक 2/9/2022 को भोलाराम अंचल अपने घर से सुबह 8:30 बजे के आसपास नहाने जा रहा हूँ करके तालाब में आया और तालाब में नहाने के लिए अंदर घुसा। पानी में एक बार डुबकी लगाया, दोबारा वो वापस बाहर नहीं आया। वहाँ पर उपस्थित मनोज किमट लोग तत्काल जा करके उसको बचाने का कोशिश किए, लेकिन वो स्थिति उसकी ऐसी नहीं थी। तत्काल उसको CHC पामगढ़ लाया गया, जहां डॉक्टर साहब ने उसे मृत घोषित किया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।